तो वो मुझे मेरे साथ जो थे सूफी पकड़ने गए कि खराब हो जाएंगे तो बांटो मैंने करनी है। मैंने उसको कहा कि ये पाकिस्तान ले जाओ, तो मैं उसको साथ मजाक करो यही पाकिस्तान का मंदिर। जब खाना पीना बंद हो गया, रसद बंद हो गए, जो कि पका हुआ था वो ख़त्म हो गया, जो कच्चा राशन था वो भी ख़त्म हो गया, सिर्फ पानी हमारे पास ही रखने के पास में, तो फिर वो तीन दिन के भूखे के मैंने उनको लाया, ये खाओ ये आप लोगों के लिए रखा हुआ, ये खाओ भी और उठा के ले जाओ। मैंने फिर कहा कि इसको अनीश को, मैंने कहा पाकिस्तान बनाया कि नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल थी। नहीं नहीं बड़ी बड़ी मुश्किल मुसलमानों का आजमाशें ऐसी आई के मकान गिरे तो मुसलमानों के, नाशें उठी तो मुसलमानों की, सामान पानी ले गया तो मुसलमानों का, बच्चे बह गए पानी में तो मुसलमानों के, अजीब ही। बस मैं एक दिन यहाँ पढ़ रहा था एक किताब हाजी से पाक मेरे सामने थी, उसमें बड़ा दिलचस्प मजमू आया और मुझे बड़ी राहत हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में जितनी भी आजमाशें इस्लाम वालों के लिए आती हैं, ये मशीयत खुदाबंदी इस तरह है कि इन्हें दुनिया ही में जो तकलीफ देनी है दे दो, क़यामत के अज़ाब से बचा, तो इनको क़यामत में अज़ाब दे। वो मुझे बड़ा हौसला मजमून के गुजरा नज़र से तो ये है, क्या नाम है इसका, हदीस पाक सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी, जिस मुसलमान को दुनिया में मुसलमान को सही तकलीफ पहुँचे, सही मुसलमान को कोई तकलीफ न पहुँचे, बस वो माफूदा से मांगता रहे, लेकिन उसको ये यकीन रख लेना चाहिए कि क़यामत के अज़ाब से अल्लाह उसको बचा। इसकी पहले भी खबर थी, पहले भी खबर छाया हुई है इसकी, बस आस्ते आस्ते रिश्ते भी तंग पे जी हुए याद रहा सारे चले मस्जिद। मैं आपके हिसाब से एक तो बातें करनी है, आप बैठे आप बैठे आप सारे